आजादी के अमृत महोत्सव की, तो आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची पुलिस इन दिनों अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने अपने कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के सभी डीएसपी थानेदार समेत पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अलर्ट रहने का निर्देश दिया, कई दिशा निर्देश भी दिए। ग्रामीण इलाकों में नक्सल गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की बात भी कही गई है, तो वहीं असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, खासकर वैसे इलाके जहां उग्रवादी और माओवादी सक्रिय हैं। स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्ष पूरा भारतवर्ष मना रहा है और रांची में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर में तिरंगा फहराने का जो केंद्र सरकार का जो ऐलान हुआ, हम लोग हर जगह घर में फहराने का न्योता दे चुके हैं, लोग जा रहा है, फहराया भी जाएगा और हर हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये फेस्टिवल हम लोग मनाएंगे कल। इसी संदर्भ का हमने आज अपने ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों के साथ हमने बैठक की थी कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नॉर्मली कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि ब्लैक काला झंडा भी कहीं कहीं लोग जो प्रतिबंधित पार्टी के लोग हैं या ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग भी फहराने का कोशिश करते हैं या फहराना चाहते हैं। उन समस्त पहलुओं बिंदुओं पर भी हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ध्यान रखेंगे, कोई भी इस ढंग का गतिविधि अगर कहीं मिलता है पूरी तरह से लोग अलर्ट रहें इस तरह की गतिविधि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।